हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। स्टेटिक जीके के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे मणिपुर और मिजोरम के जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकें उसके बारे में। दोस्तों, ये वीडियो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, साथ ही एसएससी में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट पूछे जाते हैं उसके लिए तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छी खास बात यह है कि इस वीडियो को एक बहुत छोटे शॉर्ट तरीके से बनाया गया है, ताकि आप जब भी एग्जाम देने जाएं उसके पहले ये रिवीजन 2-3 बार भीड़ देख लें, तब तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको फैक्ट याद भी हो जाएंगे, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ठीक होंगे। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली पुलिस, एसएससी, रेलवे, किसी भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले बात करते हैं मणिपुर की। आप मैप में लोकेशन देख पा रहे हैं मणिपुर की। ये छोटा सा राज्य है मणिपुर, भारत का पूर्वोत्तर का राज्य है। ये ब्रॉड मैप है मणिपुर का। दोस्तों, यहाँ पर जो इसकी सीमा लगती है वो मैं आपको बता दूँ, किस किस राज्य से और किस किस देश से मणिपुर की सीमा लगती है उसके बारे में। तो इस तरफ से तो म्यांमार से इसकी सीमा लगती है, एक तरफ से नागालैंड और यहाँ से असम से। तो मणिपुर की 2 राज्यों से और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा मणिपुर की साझा करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है सीमाओं से रिलेटेड। सबसे पहले बात करते हैं राजधानी की। तो इम्फाल है, जनसंख्या घनत्व 128 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, लिंगानुपात 985 महिला प्रति 1000 पुरुष है। उच्च न्यायालय इम्फाल में है। बात करते हैं कुल जिलों की, तो 16 जिले हैं मणिपुर में। बात करें सीमाओं की, तो पूर्व में म्यांमार, दक्षिण में, दक्षिण पश्चिम में असम, उत्तर में नागालैंड और दक्षिण पश्चिम में मिजोरम, इसकी सीमा मणिपुर से लगती है। विधानसभा सदस्यों की संख्या कुल 60 है, लोकसभा सदस्यों की संख्या 2 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 1 है। मणिपुर का राजकीय पशु थाने मृग है। बात करें राजकीय पक्षी की, तो बैक फेजेंट यहाँ का राजकीय पक्षी है। फूल शिशे कुमुदनी राजकीय फूल है। प्रथम मुख्यमंत्री एम के सह थे मणिपुर। नेक्स्ट बात करते हैं प्रथम राज्यपाल की, तो डी आर कोहली प्रथम राज्यपाल है। राज्य दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है मणिपुर का। वहीं बात करें नदियों की, तो इम्फाल, एरल और नामबुल प्रमुख नदियां हैं मणिपुर में। बात करें झील की, तो मणिपुर की एकमात्र झील लोकटक है और ये पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी झील है, तो ये भी आपको याद रखना है। परियोजनाओं में लोकटक और संगोला, ये 2 परियोजनाएं मणिपुर में आपको देखने मिलेंगी, जिसमें से लोकटक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पर्यटन स्थलों में गोविंदराज मंदिर, केवलम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया, विष्णु मंदिर और लोकटक झील, ये चारों पर्यटन स्थल आपको मणिपुर में देखने को लिए मिलेंगे। राष्ट्रीय उद्यान की और अभ्यारण्य में बात की जाए, तो केवलम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क और सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों मणिपुर में हैं। दोस्तों, देश का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क केवलम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। लोक नृत्य में ढोल चूलम, थांगड़ा, पुंग चूलम, लोहुशा, ये लोक नृत्य हैं मणिपुर के। त्यौहार में यूहो हंग, ये त्यौहार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, त्यौहार और लोक नृत्य, यहाँ से तो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। एसएससी में जनजातियों से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मणिपुर की जनजातियों में हमार, कबुई, मराम, अंगामी, पुरम और कुकी प्रमुख जनजातियाँ हैं। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट की। तो राष्ट्रीय विश्वविद्यालय जो खेल से रिलेटेड है, यह मणिपुर में खोली जा रही है। मीराबाई चानू इम्फाल से संबंधित हैं, जो आपको पता ही होगा, वेट लिफ्टर हैं। जोको घाटी मणिपुर में आपको देखने मिलेगी। भारतीय रेलवे द्वारा दुनिया का सबसे लंबा पियर ब्रिज का निर्माण किया गया है मणिपुर में। लोकटक झील में जो गाड, दोस्तों गाद और वनस्पति से बने द्वीपों को स्थानीय भाषा में फुमलिस कहा जाता है। लोकटक झील में जो फ्लोटिंग द्वीप हैं वह गाड और वनस्पति से बने होते हैं, इन्हें फुमडेस कहा जाता है। भगवान कृष्ण के जीवन का दृश्य मणिपुरी नृत्य दिखाता है, ये भी आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, निम्न में से कौन सा नृत्य भगवान कृष्ण के जीवन दृश्य को दर्शाता है, तो यह है मणिपुरी नृत्य। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर पूर्व राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट बात करते हैं मणिपुर का सबसे बड़ा उद्योग हथकरघा है। मणिपुर प्रथम राज्य जिसे ओतकसर उद्योग शुरू किया गया। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवलम जाओ फ्लोटिंग नेशनल पार्क आपको मणिपुर में ही देखने मिलेगा, इसके बारे में तो हम अभी चर्चा कर ही चुके हैं। अब बात करते हैं मिजोरम की। तो मैप में ये लोकेशन आप देख पा रहे होंगे मिजोरम की है। ये मिजोरम, ये ब्रॉड मैप हो गया मिजोरम का। मिजोरम की एक सीमा यहाँ पर असम से लगती है, एक त्रिपुरा से, एक बांग्लादेश से, इसके अलावा म्यांमार से और इस तरफ मणिपुर से मिजोरम की सीमा लगती है। बात करें राजधानी की, तो मिजोरम की राजधानी आइजोल है। स्थापना
20 फरवरी 1987 में की गई थी। न्यायालय गुवाहाटी में है, उसका खंडपीठ आइजोल में स्थित है। राज्यसभा की एक, लोकसभा की एक सीट आपको देखने मिलेगी मिजोरम में, पड़ोसी राज्य में त्रिपुरा, असम और मणिपुर। वहीं बात की जाए राजकीय पशु की तो पहाड़ी में किब्बन यहाँ का राजकीय पशु है। राजकीय वृक्ष में नागकेसर, राजकीय वृक्ष मणिजोरम का। राजकीय फूल थार सेन हरी, ये राजकीय फूल है मिजोरम का। पड़ोसी राज्य में आपको बता ही चुका हूँ त्रिपुरा, असम, मणिपुर, ये आपको पड़ोसी राज्य है मिजोरम के। पड़ोसी देश में बांग्लादेश और म्यांमार की सीमा साझा करती है। त्योहार में चापचार कोट त्योहार है। लोकनृत्य में छेक, चेलम, परलम, सरला, मकई, ये दोस्तों लोकनृत्य आपको मणिपुर मिजोरम में देखने को मिलेंगे। बात करते हैं राष्ट्रीय उद्यान की तो मुरलेन, फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान और डम्पा राष्ट्रीय उद्यान, ये आपको मिजोरम में देखने मिलेंगे। वहीं टाम झील मिजोरम में स्थित है। एकमात्र जलप्रपात जिसका नाम बांतांग है, ये भी मिजोरम में ही स्थित है। जनजातियों में चकमा, धुलियन, पोई, मार, सकते, लाखर, दलंग, फलाम और तंगुर, ये प्रमुख जनजातियां मिजोरम में हैं। अब बात करते हैं कुछ वन लाइनर फैक्ट की जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। पूर्वोत्तर का सबसे दक्षिणी राज्य कहा जाता है। मिजो पहाड़ियां हैं जो सबसे ऊंची चोटी नीला पर्वत है, ये आपको मिजोरम से याद रखना है। मिजो पहाड़ियां मिजोरम में ही होंगी। लसाई पर्वत भी आपको मिजोरम में देखने मिलेगा। बात करते हैं सिक्किम के बाद देश का दूसरा जैविक राज्य है मिजोरम। भारत का 23वां राज्य बना था मिजोरम, ये भी इंपोर्टेंट फैक्ट है, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में। 23वां राज्य कौन सा बना था, तो ये मिजोरम था। 21 जून 2019 से ग्रीन मिजोरम दिवस की शुरुआत हुई। खेलों को उद्योग का दर्जा देने वाला मिजोरम है। जोरम मेगा फूड पार्क का उद्घाटन मिजोरम में किया गया है। पारंपरिक खेल इनसुकनार आपको मिजोरम में देखने मिलेगा। पारंपरिक संगीत वाद्य यंत्र खुआंग भी आपको मिजोरम में देखने मिलेगा। मिजो लोगों की पारंपरिक नृत्य शैली चेराब है, ये भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है। दोस्तों एसएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ये चेराब क्या है, कहाँ से संबंधित है, तो ये मिजो लोगों के द्वारा पारंपरिक नृत्य शैली है और ये मिजोरम से संबंधित है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने बात की मणिपुर और मिजोरम की इम्पोर्टेंट फैक्ट की। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और राज्य के इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।